अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हालचाल हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी मेरे आज के दिन का आगाज़ हो रहा है दोपहर के 3 बजे से। तो ये छोटा सा व्लॉग है जिसमें कि मैं बनाने लगी हूँ अब सालन जल्दी जल्दी, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू गोश्त। तो आप लोगों के साथ इसकी मैं जल्दी जल्दी सी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो जैसे मैं बनाती हूँ, मैं मतलब बर्तन में चिकन डाला धो के, उसके साथ ही प्याज लहसुन टमाटर मिर्च डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के उसको गलने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, इसी में मतलब गोश्त ये चिकन जो है ये भी टेंडर हो जाता है और साथ में मसाला जात भी। और बस इसके बाद जो है ना, जब ये नरम हो जाते हैं, पानी खुश्क हो जाता है, कुछ चिकन अपना पानी भी छोड़ता है, तो उसके बाद मैं इसमें घी डालती हूँ और फिर इसको फ्राई करती हूँ। मतलब फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आपने भुना हुआ बनाना है तो भुना हुआ बना लें, आपने जिस तरीके से बनाना है। लेकिन मैंने क्योंकि आलू डाल के शोरबे वाला बनाना था तो फिर मैंने इसमें आलू डाले हैं, इसको फ्राई किया है और उसके बाद मैंने फिर इसका शोरबा बनाया। तो जी शोरबा वाला सालन जो है ना, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है आलू गोश्त का, और मैं ख़ुद भी बहुत मज़े से खाती हूँ और हम लोग इसमें रोटी डबो के खाते हैं सब। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब लोग खाने के बाद पहले पी लोग डबो के मज़े से खा रहे होते हैं, बच्चे तो बच्चे, मैं खुद भी वैसे खा रही होती हूँ। तो जी अब इसके साथ मैंने आपको रेसिपी भी शेयर कर दी है। उसके साथ ही मैंने फिर रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि भूख लगी हुई थी सबको, और उसके साथ ही दूध भी आ गया था। तो जी साथ साथ दूध गर्म हुआ और उसके बाद हमने चाय बना के पी, क्योंकि खाने के फौरन बाद चाय के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि ये हमारा दोपहर का और शाम का कंबाइन खाना ही हो गया। लेकिन बस चाय की भी वीडियो मैं नहीं बना सकी। तो इसके बाद जी शाम हो गई थी ज़्यादा, तो मैंने बिस्तर वगैरह भी लगाए और कुछ कपड़े वाश करने वाले थे वो वाश किए। तो जी इसमें आपको ये बड़ी सारी सीढ़ी नज़र आ रही है, इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी कि ये किस मकसद के लिए थी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके साथ ही शाम हो गई है और मैं काम शाम से फ्री हो गई हूँ। तो इसके साथ ही आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।